बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन नगेट्स, जिसकी रेसिपी बहुत इजी है। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी समझने में आसानी हो। तो चलिए हमारी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम लेंगे चिकन का कीमा, जिसे हमने बिल्कुल बारीक चिकन का हमने कीमा लिया है 250 ग्राम। उसमें हम शामिल करेंगे ब्रेड क्रम्स 3 से 4 खाने के चम्मच। ब्रेड क्रम्स की जगह आप डबल रोटी की स्लाइस भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही स्पाइसेस में हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1/2 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चाय का चम्मच। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से और भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे चिकन पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, पिसी हुई प्याज 1 खाने का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। इसकी जगह आप जिंजर गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम सोया सॉस शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 1 अदद अंडा शामिल करेंगे फेंट कर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बोर्ड पर पहले थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इसके बाद जो मिक्सर हमने रेडी किया था वो इस पर रखेंगे और इसे इसी तरह हाथों से हम प्रेस करके फैला देंगे पूरे बोर्ड पर। उसके बाद नाइफ की मदद से हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे नगेट्स की शेप में। और यूं एक एक पीस करके हम निकाल लेंगे। इसे साइड से प्रेस करके हम इसे सेट कर लेंगे। देखिए, इसे हमने तकरीबन 1 घंटे तक फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था ताकि इसे हमें कोडिंग करने में आसानी हो। तो चलिए इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। कोडिंग बनाने के लिए अब हम एक मिक्सचर रेडी करेंगे, जिसके लिए हम लेंगे यहाँ पर काली मिर्च पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1/2 चाय का चम्मच। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक पेस्ट 1/2 चाय का चम्मच। इसकी जगह आप लहसुन अदरक पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चम्मच। साथ ही मैदा शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच। एक अदद अंडा लेंगे, उसे हम अच्छे से फेंट लेंगे और 1/2 अंडा हम इसमें शामिल कर लेंगे। पूरा नहीं शामिल करना, हाफ एग आपने इसमें शामिल करना है। अब इसमें हम सोया सॉस शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच और इसे हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे। साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करते जाएंगे। देखिए, इस तरह से बैटर आपने रेडी कर लेना है। तो बैटर रेडी हो चुका है। सबसे पहले हम चिकन को इस तरह से बैटर में डिप करेंगे। उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स मौजूद नहीं है तो इसी जगह आप कॉर्नफ्लेक्स और लेस चिप्स का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, इस तरह करके हमने तमाम नगेट्स रेडी कर लेने हैं। तो तमाम नगेट्स रेडी हो चुके हैं, आपने बिल्कुल इसी प्रोसेस से रेडी करने हैं। इसे आप फ्रीज भी कर सकते हैं तकरीबन 1 महीने तक। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। हस्ब जरूरत तेल में हम इसे फ्राई कर लेंगे।
इसे एक साइड से अच्छे से पका लेंगे। अब ये देखिए एक साइड से पक चुके हैं, इसे टर्न करके दूसरी साइड से भी पकाएंगे। तो हमारे नगेट्स रेडी हो चुके हैं, इसे हम डिश आउट कर लेंगे। देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं, क्रिस्पी मज़ेदार और कितने अच्छे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। इसे ज़्यादा देर तक आपने फ्राई नहीं करना है वरना ये बहुत जल्दी जल जाएंगे। बस आपने इतनी देर तक पकाना है जितनी देर में चिकन रेडी हो जाए। तो देखिए हमारे मज़ेदार से नगेट्स रेडी हैं। यकीनन आपको रेसिपी पसंद आई होगी, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, रमज़ान में आप ज़रूर बनाइएगा, अफ्तार पार्टी में तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और अपनी अफ्तार पार्टी में ये रेसिपी बनाकर हमें इस रेसिपी की पिक्चर ज़रूर सेंड कीजिएगा हमारे इंस्टाग्राम पर। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाकर हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। और वहाँ पर अगर आप कोई भी हमारी रेसिपी ट्राई करें तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर सेंड कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अब मुलाकात होगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।